वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो पहला तो नवे साल दियाँ सारे मुबारक। कुछ टाइम तो असी ना ब्लॉग बना नहीं पा रहे थे क्योंकि समा जो मिल नहीं रहा सीगा। तो अज साडा प्रोग्राम सीगा रेलवे स्टेशन दे कोल कदड़ूआ जगह है उधर गए सीगे। तो उत्थे असी प्रोग्राम करके आए हैं। किसी दे डैथ दा प्रोग्राम सीगा। हरजीत वीर जी ने बड़ी वाह कमाल रूह ने वो अक्सर सानू बुलाते रहते हैं। कभी भी जो उन्होंने रिलेटिव के कोई फंक्शन होंगे ने तो वो सानू याद कर लेंगे ने। अज फिर असी उन्होंने ही जाके आए थे। तो अज मैं व्लॉग बना रहा मेरे नाल बड़े प्यारे वीर मनप्रीत सिंह जी ने जी। तो बड़ी सुरीली रूह ने ये सुरजीत वीर जी ने जड़े लुधियाने उस्ताद कुलिंदर सिंह जी के शागिर्द ने। बहुत त्यार ने वो भी। अच्छा नाम है सुरजीत वीर जी का। उन्होंने ब्रदर ने जी ये। तो महाराज की कृपा ही है इन्हों पूरी फैमिली से। सारे ही सुरीला गाते हैं। इन्हों एक ब्रदर ने वो व्डे ने वीर जी मनप्रीत सिंह जी हरजीत सिंह जी। हाँ हाँ व्डे वीर जी ने इन्हों हरजीत सिंह जी। वो हूँ इस टाइम कनेडा गए हुए हैं। उत्थे उन्होंने कुछ शो चल रहे हैं। तो बड़ा सुरीला काम उन्हों का। तो एक होर बड़ी प्यारी रूह साढ़े नाल बैठे ने जी गुरवीर सिंह जी। वाहेगुरु जी। तो थोड़ा समा पहला ही मेरी इन्हों मुलाकात हुई है। तो चार पाँच प्रोग्रामा दे विच मेरे नाल ये गए ने। तो ये भी बड़ा तैयार ने जी तबले के पूरे मास्टर ने। ये भी उस्ताद कुलिंदर सिंह जी के ही स्टूडेंट ने। बड़ी कृपा है जी इन्हों गुरु साहब का। तो दिता जी थोड़ा बहुत करी जाने सेवा। यदा भाजी का बड़प्पन है। सानू इन्ना प्यार करते ने निवासते ने सानू। तो बस थोड़ा बहुत है जो उस्तादा को मिले करी जाने। अच्छा इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे वड्डे लोगों के नाल संगत इन्होंने की है। जेडे हूँ बड़े सत्कारयोग से बलबीर सिंह जी नाम है ना। बलबीर सिंह जी बाबा बलबीर सिंह जी वो गुजर चुके ने। तो महाराज ने उन्होंने बहुत कृपा की। बहुत लोगों ने उन्होंने सुनिया। बड़े सुरीले से कीर्तन भी अव्वल दर्जे का। तो गजलां वगैरह बहुत सोहना गाते। बड़ी सुरीली रूह सी। पर चलो महाराज का भाणा है। थोड़ी उन्होंने तबीयत खराब हो गई। कुछ लीवर किडनिया वगैरह होस्पिटल रहे ने। उस तो बाद पांच तरीक नूं उन्हां दा भोग सीगा। तो गुरवीर वीर जाके आया उन्हां दे पिंड उत्थे मोगे दे विच। उत्थे उन्हां दा अंतिम संस्कार उत्थे भोग पिया। उन्हां नाल इन्हां ने संगत की है। तो भाई जोगिंदर सिंह जी रियाड़ उन्हां नाल भी इन्हां ने संगत की है। होर भी बहुत अच्छे अच्छे कीर्तनी ने जिहड़े उन्हां नाल इन्हां ने संगत की है जी। तो अज फिर प्रोग्राम के उत्ते मनप्रीत सिंह जी भी इतने आए हुए थे। मनप्रीत सिंह जी ने कल मेरे नाल प्रकाश दिहाड़ा से गुरु साहब जी का दसवें महाराज जी का। तो वह कल इन्होंने एक प्रोग्राम मेरे नाल कीता सीगा। तो एक अज का प्रोग्राम जिहड़ा वो भी मैं मेरे नाल गए ने। मैं भी सगो लकी हाँ जी क्योंकि इन्ने सुरीले ने। अच्छा बड़ा आनंद बनया जी। बहुत बहुत वधिया गाया इन्होंने। कमाल सी। असी भाई साहब खुद बहुत लकी हैं क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੁਰੀਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਵਜਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਆਪ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਉਸਤਾਦ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦ ਤਬਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਟਰਲੀ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਪਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਕੁਛ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੈਥ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮਚੋਰਟੀ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਰੂਹ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ।
ਬੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਜਾਈਦਾ ਤਬਲਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁਰੀਲੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਰੀਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਲੋਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।